तो फाइनली महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का टाइम टेबल रिलीज़ हो गया है। तो जैसा कि पहले से पता है कि 15 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे, तो उसी डेट से एग्ज़ाम की शेड्यूल आ चुकी है। सबसे पहले बीए के एग्ज़ाम्स होंगे और उसके बाद फिर क्रम से बीएससी और बीकॉम के एग्ज़ाम होंगे। तो टाइमिंग जो है दोनों की वो 8 से 9:30 और दूसरी पाली में 3 से 4:30 है। तो देख लेते हैं। और एक और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पेपर संयुक्त ही होना है, हर ईयर का पेपर संयुक्त होना है, ख़ास तौर से बीए बीएससी, जैसा कि पहले से पता था। और आपका गृह विज्ञान के लिए भी अगर है तो संयुक्त ही होना है, लगभग सभी का संयुक्त है। केवल जो बीए ऑनर्स कम्युनिकेशन वाले लोग हैं उनका हर पेपर कराया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो बीकॉम वाले बच्चे हैं उनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो हर पेपर कराए जा रहे हैं, और बीएससी कृषि भी उनके साथ साथ है, जो सारे पेपर उनके कराए जा रहे हैं। अदरवाइज़ बीए बीएससी सबका एग्ज़ाम एक ही होगा, एक ही पेपर। जैसा कि सबसे पहले ये 26 जुलाई को फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट क्या पूरा ही पेपर है फिजिक्स के लिए, वो भी संयुक्त है। तो भौतिकी का पेपर एक ही पेपर होने वाला है 1.5 घंटे में, और वो संयुक्त होगा। उसी तरीके से 26 के बाद जो अगली डेट है वो है 28 को केमिस्ट्री, वो भी संयुक्त, और फिर उसी क्रम में फिजिक्स, अगर बीएससी की बात करें तो 30 जुलाई को गणित है संयुक्त। यहाँ पे ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किस पेपर को ये छोड़ने वाले हैं या चारों पेपर आएगा, तो इसमें अभी भी डाउट है। फिर इसी तरीके से ये देख पा रहे होंगे, ये जितने भी बीए ऑनर्स और मास कम्युनिकेशन कृषि और बीकॉम, जितने भी ये सब एग्ज़ाम हैं वो सारे पेपर किए जाएंगे, और बीए बीएससी का केवल संयुक्त पेपर होगा, यानी तीनों पेपर मिला के एक पेपर बनेगा। ये बीकॉम का है जो हर पेपर उनको देना है, 6th पेपर यहाँ दिख रहा है, बाकी सारा संयुक्त है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है, राष्ट्र गौरव और उसके साथ साथ पर्यावरण, जो दोनों लगातार है 7 और 8 अगस्त को, तो इस पर भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी पास होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, इसी तरीके से सेकेंड ईयर के लिए भी टाइम टेबल आ चुका है, और उनकी जो टाइमिंग है वो शाम की टाइमिंग है 3 to 4:30, और पेपर उसी क्रम में जिस तरह से थर्ड ईयर के लिए है उसी तरीके से सेकेंड ईयर में भी संयुक्त ही है। केवल बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन, बीकॉम और बीएससी कृषि, इन सभी का सारा पेपर कराया जाएगा, और अदर जितने भी हैं उनके सिंगल पेपर संयुक्त। तो देख पा रहे हो यहाँ भी बीएससी की जो शुरुआत है वो 24 जुलाई, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेपर केमिस्ट्री 26 जुलाई, और थर्ड पेपर 28 को है, थर्ड पेपर 28 जुलाई गणित का, और सारा कुछ संयुक्त है, तो तीनों एक ही में रहेगा, और टाइमिंग 3 to 4:30। बाकी क्राइटेरिया सारा वही है, अदर सारे पेपर संयुक्त हैं हर ईयर्स के, केवल बीकॉम कृषि और मास कम्युनिकेशन, इन सभी का जो पहले से ही कहा गया था, और ऐसा इसलिए है कि उनके सारे पेपर सारे सब्जेक्ट वाइज होते हैं, उनमें पेपर एक सब्जेक्ट में नहीं होता है, सारे के सारे सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, तो सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो लास्ट में आपका राष्ट्र गौरव 7 और 8, ये दोनों उसी बच्चों के साथ एग्ज़ाम होगा, चाहे वो थर्ड ईयर सेकंड ईयर, साथ में ही दोनों लोग का एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो राष्ट्र गौरव भी साथ में होगा, जिन थर्ड ईयर वाले बच्चों का एग्ज़ाम रुका होगा या फेल होंगे वो दोबारा देंगे, नहीं तो पास होंगे तो देने की ज़रूरत नहीं है। पर्यावरण का एग्ज़ाम सभी लोगों को देना है, चाहे वो सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में, और वो दोनों एग्ज़ाम एक साथ होगा 7 और 8 अगस्त को। और कुछ ये खबर है कि किसी भी तरीके से एग्ज़ाम को छोड़ना नहीं है, हालांकि पहले कहा गया था कि कोई दिक्कत होगी तो ऐसा छोड़ सकते हैं, तो अगर छूटता है तो उसके लिए कुछ रीज़न आपको देना होगा, अदरवाइज़ एग्ज़ाम नहीं छोड़ना है, बाकी सारी नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हमेशा से होती हैं।
और इसके बाद परीक्षा समाप्ति के एक सप्ताह के अंदर मौखिक और प्रायोगिक परीक्षाएं संपन्न होंगी और इसकी जानकारी आपको अपने महाविद्यालय के संकाय से मिल जाएगी, संकाय अध्यक्ष और लोगों से। प्रायोगिक परीक्षा छूट जाने के पश्चात पुनः नहीं कराई जाएगी, जैसा कि हमेशा का ये है। तो एक सप्ताह के अंदर प्रयोगात्मक परीक्षाएं भी ख़त्म हो जाएंगी और 31 अगस्त तक तो रिज़ल्ट आने का वो है ही है। तो इस तरह से टाइम टेबल अब आ गए हैं, सब लोग जुट जाइए और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एग्ज़ाम के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।